कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री और बिग बॉस कन्नड़ की पूर्व कंटेस्टेंट जयश्री रमैया आज अपने घर में मृत पाई गईं। बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर उनका शव फांसी पर लटका हुआ मिला। जयश्री रमैया पिछले काफी समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के संध्या किरण आश्रम में उनका इलाज चल रहा था। जयश्री रमैया बिग बॉस सीजन 3 की प्रतियोगी थी। जयश्री के इस तरह दुनिया से जाने के बाद कन्नड़ फिल्म उद्योग में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को जयश्री रमैया ने जब अपने परिवार और दोस्तों के फोन कॉल्स और मैसेज के जवाब नहीं दिए तो उनके दोस्तों ने आश्रम में संपर्क किया। जब आश्रम अथॉरिटी ने देखा तो पाया जयश्री का शव पंखे से लटका हुआ है, जिसके बाद आश्रम अथॉरिटी ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से काम नहीं मिलने की वजह से जयश्री रमैया काफी परेशान थी, जिसका जिक्र उन्होंने कई बार अपने दोस्तों से भी किया था। पिछले साल जयश्री रमैया ने फेसबुक पोस्ट के जरिए डिप्रेशन की जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लाइव सेशन किया था, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो डिप्रेशन से फाइट नहीं कर सकती हैं और उन्हें इच्छा मृत्यु चाहिए। पिछले साल उन्होंने एक लाइव सेशन में कहा था कि मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूँ, लेकिन मैं डिप्रेस्ड हूँ। मैं बहुत सारे पर्सनल मुद्दों से गुजर रही हूँ। मुझे बचपन से ही धोखा दिया गया है और इसे दूर करने में असमर्थ हूँ। एक्ट्रेस ने अपने हाल के ही फेसबुक पोस्ट पर खुलकर बात की थी, जिसकी वजह से उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे। जयश्री ने सभी से अनुरोध किया कि वो उनके बारे में बात करना बंद कर दें। जयश्री का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। हालांकि इसके बाद एक्ट्रेस ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए बता दिया था कि वो पूरी तरह से ठीक और सुरक्षित है। न्यूज डेस्क, नमामि भारत।